हे दोस्तों, अगर आपको डैंड्रफ हुआ है, मेल है या फीमेल है, अगर आपको डैंड्रफ हुआ है तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है ये शैम्पू। तो हम बात करें सलेशिया केडी शैम्पू, जिसे अजंता फार्मा बनाती है, और इसका जो पैक है, ये आप देख रहे हैं सिंपल पैक है। इसका जो पैक मार्केट में आता है बस 75 ml का रहता है, और कॉस्ट जो इसका 348 रुपये है, जो मार्केट में ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अंदर जो आप की इंग्रेडिएंट देख रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड, कीटाफेनोल है, ये मेडिकेटेड शैम्पू है जो मार्केट में आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना ज़रूरी रहता है, और ये बहुत ही सुपर शैम्पू है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको पहले अपने जो बाल है उसे भिगोना है, फिर अपने हाथों में इसे यूज़ करना है, शैम्पू अमाउंट लेना है, अपने जो कि बालों के अंदर इसे हाथों में लेके बालों के अंदर लगाना है जड़ों तक, और इसे जेंटली आपको ऐसा ऐसा करके मसाज करना, और इसे 5 मिनट तक आपको अपने बाल पे रहने देना है, और उसके बाद इसे आपको पानी से धो देना है, गुनगुने या हल्के पानी से आपको उसे धो देना है, जो नॉर्मल टैप वाटर था आप उसे धो सकते हैं। तो दोस्तों, इसे ख्याल रखें कि इसे वीक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगाना है। अगर आपको हैवी डैंड्रफ है तो, या सेब्रोइक डर्मेटाइटिस हुआ है तब, अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप इसे जो कि ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वीक में एक बार भी करेंगे तो भी चला जाएगा। वैसे भी अगर वेमेंस को देखा जाए तो वह वीक में 3 बार बाल धोती हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो वह उन तीनों टाइम में ये यूज़ कर सकती हैं, और जब इसे लगाती हैं तो आप कंडीशनर का इस्तेमाल ज़रूर करें, नहीं तो आपके बाल ज़्यादा रूखे सूखे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हम अगर इसको ओपन करके देखते हैं, इसका जो पैकेजिंग है ऐसा है, इसी तरह का बॉटल देखने को आता है मार्केट में। और यहाँ से इसका ओपनिंग पोर दिया गया है, अगर इसके बॉटल को पूरी तरह से ओपन किया जाए तो ऐसा है, और हम इसके ज़रा शैम्पू को ज़रा देखेंगे तो शैम्पू आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जो आपको हाथ पे लेना है और आपके बालों के जड़ों तक लगाना है। तो दोस्तों, बहुत सुपर है। अगर आप इसे बिना डॉक्टर की सलाह से लेंगे, अगर खुद से इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है इसके वजह से आपको ये चांसेस देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपके जो बाल हैं रूखे सूखे हो सकते हैं, ड्राईपन ज़्यादा देखने को मिल सकता है, इचिंग, इरिटेशन, रेडनेस देखने को मिल सकता है, जो हर किसी ने किसी किस्म देखने को मिलता है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हैं और बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।